प्रिय विद्यार्थियों, जायसी की प्रेम व्यंजना की बात को हम अपने पिछले वीडियो में कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु, अगला शीर्षक हम देखते हैं, रहस्यात्मक चित्रण। सूफी कवियों ने प्रकृति के प्रत्येक कण कण में परमात्मा रूपी प्रियतम के सौंदर्य का आलोक देखा है। उन्हें सर्वत्र उसी की छाया का आभास मिलता है। जायसी ने भी अपने काव्य में जीव और ब्रह्म का रूपक उपस्थित करके उन दोनों के मिलन में प्रकृति को सहायक बतलाया है। इस कारण जायसी ने उस परोक्ष ज्योति और सौंदर्य सत्ता की ओर प्राकृतिक उपादानों के सहारे रहस्यात्मक संकेत किया है। उदाहरण देखें, बहुते ज्योति ज्योति ओहि भई, रवि ससि नखत देहि ओहि ज्योति, रतन पदार्थ मानक मोती। और इसी पद में आगे, नयन जो देखा कमल भा, निर्बल निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। प्रकृति के बीच दिखाई देने वाली सारी दीप्ति उसी परमात्मा से निश्रित है। इस बात का प्रमाण पद्मावती के प्रति कहे गए रतन सेन के इस वाक्य से भी मिलता है। उदाहरण देखिए, अनुधनी तू निसी अर निसी महा, हो दिनी अर जही कि तू छाहा, चांद ही कहा ज्योति ओ कारा करा, सूरज के ज्योति चांद निर्भरा। मानस के भीतर प्रियतम के सामीप्य से उत्पन्न उस अपरिमित विश्वव्यापी आनंद की व्यंजना में प्रकृति का रहस्यात्मक रूप चित्रित हुआ है। जायसी का यह वर्णन कितना हृदयग्राही है, जो वो अपने शब्दों में कहते हैं, देखी मानसर रूप सुहावा, हिय हुलासपुर हनी हुई छावा, गाह अंधियार रैन मसी छूटी, भा भिनसार किरण रवि फूटी, कमल विगस तह विहसी देही, भंवर दसन होई कह लेही। जायसी ने लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की परिपुष्टि के लिए प्रकृति के रहस्यात्मक रूप को सशक्त माध्यम बनाया है। प्रकृति के ऐसे चित्र अत्यंत संश्लिष्ट एवं मनोहारी बन पड़े हैं। अगला बिंदु है प्रतीकात्मक चित्र। जायसी ने प्रकृति के विशिष्ट पदार्थों को प्रतीक रूप में अपनाया है। पद्मावत में सूर्य, चांद, कमल, भ्रमर आदि प्रतीक पद्मावत और रतन सेन के लिए कई बार प्रयुक्त हुए हैं। जहां जायसी अभिधा से हटकर एकदम आध्यात्मिक अर्थों को उपस्थित करने लगते हैं, वहां से वर्ण वस्तु की जगह प्रकृति के किसी न किसी पदार्थ को प्रतीक रूप में रख देते हैं। इस कारण यद्यपि उनकी प्रतीक शैली कुछ अंशों में रहस्यात्मक शैली के अंतर्गत ही आ जाती है, तथापि कहीं कहीं प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप में स्वतंत्र चित्रण भी किया गया है। जैसे प्रियतम पुरुष के प्रेम से आपद प्रकृति का चित्रण द्रष्टव्य है। उदाहरण देखिए, उन बानन है असको जन मारा, बेदी रही राह सगरो संसारा, गगन नखत जो जाही न गने, वे सब बान ओही के हने, धरती बान बेसी सब सखी सब राखी, साखी ठाड़ तेही सब साखी, रोव रोव मानुस्तन ठाड़े, सुतही सूत वेद असगाढ़े। और दोहा देखिए, बरुनी चाप अस ओप ही, बेधे रन बन ठाड़, सोजही तन सब रोआ, पंखी तन सब पाँ। यहाँ प्रकृति की ये सभी वस्तुएं उस व्यापक परम ब्रह्म के प्रेम बाणों के प्रतीक रूप में चित्रित की गई हैं। जायसी ने पृथ्वी और स्वर्ग को जीव और ब्रह्म के प्रतीक के रूप में चित्रित करके संपूर्ण प्रकृति को वियोगी बतलाया है। उदाहरण देखिए, धरती सर्ग मिले हुतु दो, केव निनार के दीने बिछो। जायसी ने सिंगलगढ़ को परलोक का प्रतीक बतलाया है। उस अमर धाम को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के सारे महाभूत प्रयत्नरत रहते हैं, उसके लिए साधना की आवश्यकता है।
इस अभिमत को अभिव्यक्त करने के लिए जायसी ने जो प्रतीकात्मकता अपनाई है वो देखने योग्य है। उदाहरण देखिए, बिजुरी चक्र फिरे चहुं फेरी, ओ जम काल फिरे जम केरी, धाई जो बाजा के मन साधा, मारा चक्र भय दुई आधा, चांद सूरज और नखत तराई, तेही डर अंतरिक्ष फिरही सवाई, पवन जाई तह पहुंचे हा, मारा तस लोटे भुई रहा, अग्नि उठी जरी बुझी नियाना, धुआं उठा उठी बीच बेलाना, पानी उठा उठी जाई ने छुआ, बहुरा होई आई भुई चुआ। इस तरह जायसी के कार्य में प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप अत्यंत प्रशस्य और मनोहर बन पड़ा है। उनके द्वारा विधानुभूति की सशक्त व्यंजना हुई है। अगला बिंदु हम देखते हैं जायसी के प्रेम व्यंजना की विशेषताएं। जायसी के काव्य में प्रेम के स्वरूप का विस्तार पूर्व विवेचन करने के बाद यहाँ तत्संबंधी कुछ सामान्य विशेषताओं की चर्चा भी आवश्यक है। मुख्य रूप से यहाँ तीन विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। मानसिक पक्ष की प्रधानता, दूसरा है भारतीय और फारसी पद्धतियों का समन्वय, और तीसरा है भावात्मक और व्यवहारिक शैलियों का समन्वय। अब पहला बिंदु देखते हैं हम, मानसिक पक्ष की प्रधानता। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष की प्रधानता है। संयोग और वियोग दोनों पक्षों में उनकी दृष्टि भावात्मकता की ओर ही अधिक रही है। शारीरिक काम भावना का चित्रण कम हुआ है। संयोग पक्ष में कवि ने मन के उल्लास का और वियोग पक्ष में वेदना का कथन अधिक किया है। यह जायसी ने जहां शारीरिक भोग विलास का वर्णन किया है, उनमें विलासिता के बीच बीच में भी प्रेम का भावात्मक स्वरूप प्रस्फुटित होता दिखलाई पड़ता है। उनके विरह वर्णनों में एक गांभीर्य है और वेदना को अत्यंत तीव्र व्यंजना भी मिलती है। दूसरा बिंदु है भारतीय और फारसी प्रेम पद्धतियों का समन्वय। भारतीय प्रेम पद्धति में नायिका के प्रेम का वेग अधिक दिखलाई पड़ता है, जबकि फारसी के प्रेम में नायक के प्रेम का वेग अधिक तीव्र रहता है। जायसी ने अपने पद्मावत में इन दोनों पद्धतियों का समन्वय किया है। पहले उन्होंने फारस की प्रेम पद्धति का अनुसरण करते हुए रतन सेन को अपने प्रेम पात्र की प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील दिखलाया है, और फिर नायिका के प्रेमोत्कर्ष का भी वैसा ही चित्रण किया है। उत्तरार्ध में तो नायिका के प्रेम का उत्कर्ष ही प्रधान हो गया है। इस प्रकार पद्मावत की प्रेम व्यंजना में भारतीय और फारसी दोनों पद्धतियों का समन्वय हो गया है। संयोग और वियोग के विभिन्न प्रसंगों के वर्णन में भी इन पद्धतियों का समन्वय देखा जा सकता है। भारतीय पद्धति के अनुसार कवि संयोग श्रृंगार वर्णन में मर्यादित और वियोग वर्णन में वेदना की अभिव्यक्ति की ओर झुका रहता है, परंतु फारसी पद्धति के प्रभाव से वह संयोग वर्णन में अश्लील दृश्यों तथा वियोग में ऊहात्मक उक्तियों का समावेश भी कर देता है। वियोग वर्णन में विभत्सा की यह योजना देखी जा सकती है। देखिए उदाहरण, विरह सराग नहीं भूंजे मासू, गिरी गिरी परे रगत के आंसू, कटी कटी मासू सराग पी रोवा, रगत के आंसू मासू सब रोवा। और तीसरा और अंतिम बिंदु है भावात्मक और व्यापारिक शैलियों का समन्वय। पद्मावत की प्रेम व्यंजना की एक अन्य विशेषता है भावात्मक और व्यवहारिक शैलियों का समन्वय। पद्मावत में भारतीय प्रेम पद्धति के अनुसार लोक व्यवहार के बीच अपनी आभा का प्रसार करने वाले प्रेम और फारसी पद्धति के अनुसार मसनवियों के एकांतिक लोक ब्रह्म और स्वतंत्र भावात्मक सत्ता के रूप में विकसित होने वाले प्रेम, इन दोनों की समान रूप से व्यंजना मिलती है। पद्मावत में इसी समन्वय के अनुसार एक और पद्मावती और रतन सेन तथा दूसरी ओर नागमती और रतन सेन के प्रेम प्रसंगों की अवतारणा की गई है। अंत में दोनों का दाम्पत्य जीवन में परिणति व्यवहारिक शैली
जो कि भारतीय प्रेम पद्धति है की प्रधानता सूचित करती है। संक्षेप में जायसी ने पद्मावत में जिस लौकिक प्रेम का चित्रण किया है वह उनके आध्यात्मिक विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम रहा है। उन्होंने इस प्रेम कथा के बीच बीच में अनेक स्थानों पर संसार की नश्वरता, शरीर की क्षणभंगुरता, साधना की जटिलता तथा ईश्वर प्रेम की सर्वश्रेष्ठता की ओर संकेत किया है। इस विशेषता के कारण सारा पद्मावत काव्य प्रेम पद्धति पर आधारित एवं आध्यात्मिक प्रेम से आबद्ध है। जैसी कि इस विशेषता को लक्षित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन दृष्टव्य है कि जायसी का झुकाव सूफी मत की ओर था, जिसमें जीवात्मा और परमात्मा में पारमार्थिक भेद न माना जाने पर भी साधकों के व्यवहार में ईश्वर की भावना प्रियतम के रूप में की जाती है। उन्होंने ग्रंथ के अंत में सारी कहानी को अन्योक्ति में कह दिया है और बीच बीच में भी उनका प्रेम वर्णन लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर संकेत करता जान पड़ता है। इस कथन से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि जायसी का मुख्य उद्देश्य अपने काव्य द्वारा लौकिक प्रेम के वर्णन से अलौकिक प्रेम की गंभीर व्यंजना करना रहा है। हिंदी के प्रेमाख्यानक काव्यों में जायसी का पद्मावत पूर्णतया भारतीय प्रेम पद्धति का अनुसरण करता है। इसमें जायसी ने लोक जीवन का पूरा समावेश किया है। इस विशेषता के आधार पर जायसी की प्रेम व्यंजना अति भावपूर्ण, मनोरम तथा हृदयगत वेदना से समादृत दिखाई देती है। जायसी का पद्मावत इस दृष्टि से भारतीय प्रेमाख्यानक काव्यों की परंपरा में कालजयी कीर्ति स्तंभ है। और इसी के साथ हम इस प्रश्न को पूरा करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।